ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह समय विकराल है हर ओर कांटों तम है घना मंजिल नहीं आती नजर थाम लो यह हाथ गुरुवर धन्य हम हो जाएंगे छल न पाएगी कोई नहीं भीषण भवर कोई नहीं भीषण भवर गति ले ताल तुम्हारी रंग मंच के पात मातृ हम संयोजना विशाल तुम्हारी रंग मंच के पात्र मात्र हम संयोजना विशाल हमारी पात्र मंच पर होता जैसा पात्र मंच वैसा हमें बना दो गुरुवर अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी राह चला लो। हमारी जीवन का संगीत तुम्हारा
हमारा, गीतों को है आस तुम्हारी, जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी, स्वर में गालो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। जीवन आहुति का यश ले ले, जीवन आहुति का यश ले ले, स्वस्थ सुगंध सृष्टि में फैले, स्वस्थ सुगंध सृष्टि में फैले, हम जब पावन यज्ञ रचाए, फिर जन मन त्रिताप क्यों झेले, हम जब पावन यज्ञ रचाए, फिर जन मन त्रिताप क्यों झेले, शाप तापित तापित जन जीवन पर, स्नेह सुधा बरसा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, हमें साथ ले हाथ हाथ ले, हमें साथ ले हाथ हाथ ले, अपना राह रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराकृतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तुमे, सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराकृतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तुमे। आज चौथा दिन है और हमने जो कल प्रकरण स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या कांड में संत एवं असंत का वर्णन।
उनका स्वभाव कैसे होते हैं। हमने कल मंत्रा की बात की थी और कल और भी बातें की थी आपसे, जिससे आपने समझने की कोशिश की कि संत कैसे होते हैं, असंत कैसे होते हैं। इसके पहले दिन अयोध्या कांड में भगवान राम की संत स्वभाव चर्चा हुई थी। इसमें विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान राम के संत गुणों को स्पष्ट किया गया था। अब यहाँ पर अयोध्या कांड के विभिन्न प्रसंगों में भरत जी के संत स्वभाव व जगह जगह पर वर्णित संत व असंत व्यक्ति के स्वभाव को बताया गया। भरत जी सब माताओं को असंत व्यक्तियों के पापों को और उनके परिणामों को बताते हुए छल रहित पवित्र व सीधी सुंदर वाणी कहते हैं। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपातक हैं, जिनके कवि लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। यहाँ पर भरत जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि माता कैकेयी द्वारा किए गए कृत्य के पीछे मेरी किसी तरह से सहभागिता हो, मैं कहीं उनसे मिला हुआ हूँ इसे, तो बड़े भैया राम को वनवास भेजने स्वयं अयोध्या का राजकाज संभालने के पीछे यदि मेरी जरा भी मंशा हो तो जितने भी तरह से पाप पूर्ण कृत्य किए जाते हैं उनका पाप मुझे लगे। अब ये अगला जो चौपाई है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूत गणचोर ते कई गति मोहि मई देह विधि जो जननी मत मोर, बेचे ही वेद धर्म दुहि ले ही पिसुन पराय पाप कही दे ही कपटी कुटिल कलह प्री को दी वेद विषु विदूषक वस्त्र विश्व विरोधी। जो दूसरों के पापों जो लोग वेदों को बेचते हैं धर्म को धो लेते हैं, जो आजकल के संत पुरुष हैं उनके तथाकथित जो वचन होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, बेचे ही वेद धर्म दो ही ले ही धर्म को गाय मान के धो लेते हैं और उसका जो पैसा है वो सारा का सारा खा जाते हैं। दूसरों के पापों को कह देते हैं जो कपटी कुटिल कलहप्रिय कोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाली और विश्वभर के विरोधी हैं। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराये स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो, दोनों में बातचीत चल रही है भरत और माँ के बीच में, तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ, मेरी गति फिर वही होनी चाहिए। यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो उनकी भयानक गति को पाऊँ। इनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, तो मनुष्य शरीर पाकर श्रीहरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर प्रतिकूल वेद मार्ग पर चलते हैं, वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हो तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि अगर मैंने इसमें कोई आप मेरे को इन्वॉल्व जानते हैं तो फिर मेरे को उस गति वो देना जो ऐसे लोगों को दी जाती है। इस प्रसंग में भरत जी ने असंत व दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव उसको मिलने वाली गति का वर्णन किया है। जो असंत व्यक्ति होते हैं उनकी दुर्गति कैसे होती है ये आप यहाँ समझ जाएंगे। भरत जी के अनुसार असंत व्यक्ति अपने माता पिता व पुत्र को मारने में भी संकोच नहीं करते, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर तक जलाने में नहीं हिचकते, स्त्री व बालक की हत्या कर देते हैं, मित्र व राजा को जहर देने में संकोच नहीं करते, मन कर्म वचन से पाप कर्मों में लगे रहते हैं, दुष्ट व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, ये लोग वेदों को बेचते हैं धर्म को धो लेते हैं और दूसरों के पापों का बखान करते रहते हैं, ये सारे के सारे असंत व्यक्ति हैं। ये कपटी कुटिल कलहप्रिय कोधी स्वभाव के होते हैं, ये वेदों की निंदा करने वाले और विश्वभर के विरोधी होते हैं। इनके सामने किसी की भी तारीफ कर दो तो ये बड़े गुस्से में आ जाएंगे। ये विश्व भर के विरोधी होते हैं, लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले होते हैं और पराये धन पराये स्त्री की ताक में रहते हैं। ऐसे लोगों का सत्संग में प्रेम नहीं होता और परमार्थ के मार्ग से भी विमुख होते हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर भी श्रीहरि का भजन नहीं करते, उन्हें हरिहर का सुयश भी नहीं सुहाता, ये वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं। दुष्ट लोग एक प्रकार से ठग होते हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं।
ये पूरी चौपाई का जो समुच्चय है, ये समूह है, इसमें यही व्याख्या आई है। सोच किन्हें करना चाहिए, इस बारे में स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों को सोच करना चाहिए। अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 171 के 1-8 तक। जब भरत जी पिता दशरथ के देहावसान पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, तब कुलगुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हुए कहते हैं, राजा दशरथ सोच करने योग्य ही हैं, शोक करने योग्य नहीं है, उनके बारे में शोक मत करो, क्योंकि उनके जैसा राजा अब तक नहीं हुआ है और न होगा। लेकिन सोच उस ब्राह्मण को करनी चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है, उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है, उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। जगह जगह आप देखेंगे कि तुलसीदास जी कहेंगे, जो राम जी और शिव जी को भक्ति नहीं करता, वो आदमी नास्तिक है। बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है इनका, भगवान राम भगवान शिव। उस बात का, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला और मान बढ़ाई चाहने वाला। ऐसा व्यक्ति जो मान बढ़ाई चाहने वाला हो, ज्ञान का घमंड रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली कुटिल कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य कुल को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, गुरु ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन नहीं करता, अपने मन मर्जी से जीवन चलाता है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, वो ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। आजकल इतने लोग हैं जो वानप्रस्थी हो जाते हैं, और वानप्रस्थी होकर के जो लोक सेवा का ढोंग करते हैं, पर वो उसके अलावा इतने सारे काम करते हैं, तपस्या छोड़ करके भोग करते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का चरित्र हनन करता है, अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। साधु पुरुष के लक्षण बताते हुए भरत जी कहते हैं कि दुखित दोष गुण गण ही न साधु। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। अयोध्या कांड का 176वां दोहा। भरत जी का संत स्वभाव। निषादराज भरत जी को पहली बार देखने, उनसे मिलने पर निषादराज की क्या स्थिति हुई, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखी भरत कर सील स्नेहु, माँ निषेध ते समय विदेहु। भरत जी को शील प्रेम देकर निगाह निषाद उस समय विदेह हो गया, तथा प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। बड़े भ्राता श्री राम जी के वन में कष्ट सहने की कल्पना करके प्रयागराज में भरत जी मनी मन बहुत आत्मग्लानी से भर गए। तब भरत जी के आत्मग्लानी पूर्ण वचनों को सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमलवाणी हुई, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। एक आकाशवाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। वादि गलानी करहु मन माही, तुम सब राम ही को नहीं। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानी कर रहे हो और रामचंद्र जी को तुम्हारे समान जी कोई और प्रिय नहीं है। ये आकाशवाणी के माध्यम से एक कंसोलिंग बात, एक कंसोलेशन मिलता है भरत जी को। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानी कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई है ही नहीं। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटुगृही उदासी। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत आनंदित हैं। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। जो वहाँ इतने सारे लोग मिल रहे हैं आपस में, क्योंकि भरत जी पहुँच गए हैं वहाँ।
और भरत जी का व्यवहार देख के, गुण देख के वो लोग कहते हैं आपस में मार्ग में, भरत जी भरत मुनि के आश्रम में जब भरत जी अयोध्या वासियों सहित वहीं विश्राम करते हैं, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास सब बहुत आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में मिलते हैं। मार्ग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जी अयोध्या वासियों सहित वहाँ रात्रि भर विश्राम करते हैं, तब मुनि ने उनके सत्कार हेतु अपनी रिद्धियों और सिद्धियों को आमंत्रित किया। अब ये सुनिएगा जरा, ये अच्छा प्रसंग है। तब उन सिद्धियों के कारण पल भर में ही वहाँ बहुत से भोग ऐश्वर्य का सामान आ गया। मुनि और ऋषि मुनियों को इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर चूँकि राजवंश आया था और उसमें भी रानियाँ और तीनों चारों बच्चे सभी पूरे के पूरा वंश भगवान दशरथ का, महाराज दशरथ का आ गया, तो ऐसे में भरत जी के मन में इनके लिए भी वैराग्य रहा। उनकी स्थिति के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खैलवार तही निसि आश्रम पिंजरा राखें भाभिनानुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद करके रखा और ऐसे सवेरा हो गया, यानी भरद्वाज मुनि को की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी कभी भी भरत जी के मन में ये बात नहीं आई कि हमको इसका स्पर्श करना चाहिए या हमको खाना चाहिए। भैया राम से मिलने के लिए जाते समय भरत जी भी उन्हीं के समान नंगे पैर जाते हैं। बिल्कुल वही स्थिति जो उन्होंने वहाँ से चलते समय बनाई थी, वही स्थिति है उनकी। कहीं भी किसी भी रूप में उनके अंदर कोई विकार नहीं आता। और इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनके उनके बारे में कि नहीं पद त्राण, अभी अयोध्या के तो राजा हैं ही वो, अभी नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। महाराम भैया राम से चित्रकूट मिलने जाते समय भरत जी के पैरों में न तो जूते हैं न सिर पर छाया। चित्रकूट क्षेत्र जो है भयंकर गर्मी वाला क्षेत्र है और जिस समय जा रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो जिस समय ये हो रहा था प्रकरण, उस समय उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट यानी सच्चा है यह जान करके वो सब के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राम जी भरत के बारे में कहते हैं, समाधान तब भाय जाने, भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। फिर रामचंद्र जी भरत की बड़ाई करते हुए कहते हैं, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न देखा गया। ये भरत जी के बारे में रामचंद्र जी की उक्ति है, कितना प्रेम करते हैं भरत जी का। भरत जी से प्रेम भी करते हैं और भरत जी को के बारे में बताते हैं कि ऐसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में न कहीं देखा गया न कहीं सुना गया। भरत ही हो ही न राजमधु, उन्होंने कहा भारत अयोध्या के राज की बात क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भारत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कौओं की बूंदों से, कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? कांजी की बूंद क्षीर सागर में डाल दी जाए क्या नष्ट हो सकता है? नहीं नष्ट हो सकता है, इसलिए क्या करें, आगे चलते हैं। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों से समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे यही अपनी स्वाभाविक क्षमा छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, ये उपमाएं हैं। उपमा जब मैं बोलता हूँ तो आप समझ लेना कि ये एक विद्वान कवि विद्वान तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। इतने सारे तुलना देने के बाद उन्होंने कहा, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकते। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तातु, अपने उससे भाई से कह रहे हैं, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर
विघाता ने इस दृश्य प्रपंच को रचा है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। कितनी सुंदर उक्ति है, आपको आनंद आ जाएगा सुन के। भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। यदि जगत में भरत का जन्म न होता, भगवान राम कह रहे हैं, यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी की वजह से धर्म जो है वो मौजूद है इस प्रसंग में और सारे वर्णन में। भरत जी जो है उनकी वजह से धर्म की व्यवस्था है, और ये वास्तव में सही अर्थों में वो कह रहे हैं, यदि मैं भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता है। तब भरत जी कहते हैं, जो राम लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, स्वामी जी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा ही लज्जा आती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। लक्ष्मण जी भरत के बारे में कहते हैं कि भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जग जानता है। कौशल्या माता भरत जी के बारे में कहती हैं कि लक्ष्मण राम और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं, मुझे तो भरत की चिंता है। आगे भी कहती हैं, मैंने कभी श्रीराम की सुगंध नहीं की, लेकिन आज मैं श्रीराम की शपथ करके सत्यभाव से कहती हूँ कि भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भाईचारा भक्ति और अच्छेपन का पालन वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं? आप समुद्र खाली कर दो सीप से, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महिषा। ये जो उक्ति है इसका अर्थ बताता हूँ मैं आपको। ये जो भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, ये माता कौशल्या कह रही हैं। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पे कसे जाने और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। राजा जनक जी रानी सुनैना से भरत जी की प्रशंसा में कहते हैं, ये भी वहाँ पहुँच गए थे, सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। राजा जनक जी राजा सुनैना से कहते हैं, हे सुमुखी हे सुनैनी, ये उनके पत्नी को संबोधित करने के तरीके हैं, हे सुनैनी सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। जो इसको हृदय से पालन करेगा, जो इसको जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में भव बंधन नहीं आएंगे। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, राजा जनक कह रहे हैं, अतः इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, वर्णन नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि वर्णन कर सकती छल करके भी उसकी छाया तक नहीं छुप पाती। ब्रह्मा जी गणेश जी शेष जी महादेव जी सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित बुद्धिमान सबकी इसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी धर्म शील गुण और निर्मल ईश्वर समझने और दूसरों के सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। देखिए कितने बढ़िया वर्णन दे रहे हैं। ये जो कथा है जो सुनेगा उसको सब तरह से लाभ मिलेगा। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो, जनक कह रहे हैं अपनी बात। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका, मन से नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनकी साधना है। उनकी साधना एक ही है, श्री राम जी के चरणों में प्रेम निरंतर, और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है।
विदेह जनक राज के दिशा देखकर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, जासु ज्ञानु रवि भय भव अनिसी अनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी राशि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें वह मुनि रूपी कमलों का को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट आ सकते हैं? ये तुलनाएँ हैं, उपमाएँ हैं, उपमा के माध्यम से वर्णन है, बहुत सुंदर। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता निकट आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा ये सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। वो लौकिक मोह और ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी सीता जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं, विषय में आसक्त साधक साधना करने वाले और ज्ञानवान जिन्होंने साधना के पराकाष्ठा तक पहुंचकर सिद्धि प्राप्त कर ली है, ये तीन प्रकार के पुरुष बताए हैं। तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं को सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। देवगुण जी श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखें, उन्हें देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। तब देवताओं ने देवी सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपकी शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर मंत्रा व केकई के समान भरत जी की बुद्धि को भी आप फेर दीजिए। देखिए, सारे देवता एक बार वहाँ ऊपर भी गए थे अयोध्या में, और मति फेरने की बात कह के उन्होंने जो मंथरा के बुद्धि फेरी, उसके बाद ये यहाँ फिर कह रहे हैं, फिर षड्यंत्र रचें, छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए। तब देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, जो सच कहूँ भरत मति फेरूँ, लोचन सरसन मुसूज सुमेरू। मुझसे कह रहे हो कि भरत की भांति मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरू नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर नहीं ताक सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि उसे भुलावे में डाल दे? अरे, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में से सीताराम जी का निवास है, वहाँ सूर्य का प्रकाश। ये भरत जी की जो भक्ति है पूरी तरह से भगवान श्री राम के प्रति, और सीता उनके अंदर जो भक्ति है उस भक्ति का बार 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 अयोध्या गण में जिक्र आता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकुआ व्याकुल होता है। ये आपको मालूम होगा, चकुआ पक्षी हुई होता है, रात्रि में व्याकुल हो जाता है, और जब उसको उचित अवसर मिलता है तब वो अपनी जो मुहूर्त देख करके और सही अर्थों में कहा जाए तो चकवा से तुलना करके भगवान से श्री भरत जी और राम जी के इनके दोनों के साथ जो तुलना कर रहे हैं वो गजब की तुलना है। श्री राम जी का स्वभाव, श्री राम जी जो हैं वो अगर नहीं स्वीकार करते ये सब, वन में राम जी को मनाने के लिए आए हुए भरत जी को देखकर देवताओं को डर लगता है, कहाँ राम जी के भरत को आग्रह को स्वीकार न कर लें, इसलिए देवराज को छलपूर्ण उपाय करना चाहते हैं। जितने छल होते हैं ना ये सब देवराज ही करते हैं अंदर, जितने प्रकार के, और देवराज जो हैं ये चाहते हैं कि हमारी जो कुटिल बुद्धि है वो क्या कर सकती है ताकि राम भरत मिल न सकें, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे भरत को अयोध्या वापस लौटना पड़े। तब देवगुरु बृहस्पति जी हजार नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित यानी मूर्ख मानते हैं और कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रसाई न गाओ, जो अपराध भगत कर करें राम रोष पावक सो जरें। अब वो कहते हैं कि हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो,
वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, भक्ता अपराध सबसे बड़ा अपराध है किसी के लिए भी, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हमारे आराध्य जो यहाँ पर हैं अभी भगवान श्री भरत जी हो। श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है सारा जगत, श्री राम जी को जपता है, और श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन है? है देवराज, हमारा उपदेश सुनो, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। तुम जो कर रहे हो उल्टा कर रहे हो, तुम जिस ढंग से तुम भरत जी के बारे में नीति बना रहे हो वो गलत है। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण करते हैं, उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। ये जो चौपाई है बड़ी अच्छी है, आपने सुनी होगी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसे ही फल मिलेगा उसको। यद्यपि तथापि वे भक्त और अभक्त हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों यानी भक्तों में रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। आप चाहें तो प्रमाण के रूप में वेद पुराण देख लीजिए और साधु और देवताओं की वाणी देख लीजिए। ऐसा हृदय में जान के कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। सब लोग, सब देवी देवता जितने भी हैं उनको समझाते हैं भगवान राम, भगत पर हित निरत पर दुख दूली दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत तें जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि, उनसे बिल्कुल न डरो। श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से उनका स्वभाव कहते हैं, हे नाथ आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले। सुहद वो होता है जो बिना ही कारण हित करते हों दूसरों का। तो भगवान श्री राम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या है, वो बिना ही कारण हित करते रहते हैं लोगों का। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, अपने हृदय में सबको अपने ही समान आप मानते हैं। वसंत श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कहते हैं कि ये जो हमारे आज प्रकरण में ये आया है, श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं, वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव वाले हैं। भगवान श्री राम के नेत्रों की सराहना होती है, कमल के समान नेत्र। अब भगवान श्री राम का एक एक क्वालिटी है, उनके जो गुण हैं वो उनके शरीर की गुणवत्ता से सिद्ध होता है। जनक जी श्री रघुवीर का स्वभाव जानते हैं, कहते हैं, राम सत्यव्रत धर्म रत सब कर सील उसनेहु, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आये सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। भरत जी श्री रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में कहते हैं, राव रे रीति सुवानी बढ़ाई, जगत विदित निकमासम गाई। अयोध्या कांड का 298 श्लोक। भरत जी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ आपके रीति और सुंदर स्वभाव को बढ़ाई की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है। भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद चल रहा है, वो वेद शास्त्रों ने भी गाई है, क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी और निशंक हैं, उन्हें भी आपने शरण में आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में उन्हें लाए, उन्हें उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। भरत जी की प्रशंसा भगवान राम के माध्यम से और उनका स्वभाव, ये यही ये प्रसंग आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी भरत जी के बारे में कहते हैं, धर्म धुरंधर धीर नीति में चरु चतुर सत्य स्नेह, ये है 303-304 दोहा।
और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीके थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो और कोई नहीं। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं? राम, भगवान राम बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुण कैसे कहूँ। उस समय तुलसीदास जी भरत जी के बारे में कहते हैं, भरत रहिन समुझनी करतूति भगति विरति गुण विमल विभूति, अयोध्याकांड का 324वां चौपाई। ये जो छोटे छोटे से श्लोक, छोटी छोटी सी जो ये आई हैं, उक्तियाँ आई हैं, इतनी महत्वपूर्ण है, आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और या ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँचनी है वहाँ। ये बता रहे हैं हमारे आदरणीय गोस्वामी जी। भरत जी का शरीर पुलकित है और हृदय में सीताराम जी हैं, उनके हृदय में सीताराम का निवास है। जीव राम नाम जप रही है और नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, तो भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों की स्थिति समझ कर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को देखकर, सुनकर साधु संत सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। उस व्यक्ति के बारे में, दुष्ट व्यक्ति के बारे में निषाद राज जी कहते हैं, साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जासु न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू जाग जननी जीवन विटप कुठारू। वन में अयोध्या साहिब लोगों को कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोगों ने स्वादिष्ट फल, आप कभी जंगल में रह के इनके फल कंद मूल खा के देखिए तो आपको लगेगा ये कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं। शहद कंद मूल अंकुर आदि लाला कर देते हैं तो लोग उनका बहुत दाम देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं लेते। लोटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं, कहते हैं, कहे स्नेह मगन विधवानी मानस समानत साधु प्रेम पहचानी। उनमें प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं, साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लुटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए, आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं, श्री राम जी कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए। इतना एक प्रसंग याद आता है मुझे, जब मैं लगभग 1992-93 में बस्तर गया था, तो बस्तर में वहाँ एक जो बुजुर्ग सज्जन थे, उन्होंने आके मुझे एक पोटली में वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ है वो दी। उन्होंने वो थी जो मेवा होता है वहाँ का, और उस मेवा जो है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने रख तो ली, परंतु मैंने कहा, आप भी तो हमसे कुछ ले लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, इसकी कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और उसके बाद जैसे हम लोग चले तो मैंने मेरे साथियों से पूछा कि इनको किसी तरह का अभाव तो नहीं होगा, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी। बोले, नहीं साहब, ये तो बहुत दूर से चिरंजी है ना, चिरंजी भाई तू बहुत दूर से आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, इसलिए आप इसको खाइए या साथ ले जाइए, माता जी को दीजिए, जीजी को दीजिए और आप खाइए। मैंने वो चिरंजी वहाँ रास्ते में तो नहीं खाई, पर यहाँ आके खाई, और मित्रों उसमें ऐसा स्वाद था कि क्या कहूँ। उन सज्जन ने जब मैंने कीमत देने की बात कही तो उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई नीचे से और मिट्टी मेरे बालों में डाल दी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो बस्तर की मिट्टी है, इसमें भगवान राम गए हैं, भगवान राम इसी रास्ते से गए हैं, मैंने सोचा आपको मैं
पूरी तरह से उसमें नहला दो। मैंने कोई बुरा नहीं माना उनकी बात का, मैंने कहा कि बहुत सही है, आपने सही अच्छा किया कि ये मिट्टी जो है उसमें आपने मुझे स्नान करा दिया। ये जो बस्तर वाला बेल्ट है, मैं कई बार गया हूँ, कई बार लगभग 25-30 बार गया हूँ, हर बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्मरण मिले हैं, बहुत अच्छी अच्छी वो मिली हैं, संस्मरण है मेरे, और मैंने उनको नोट भी किया है, उनको कभी कभी मैंने लेखों में भी यूज़ किया है। और मित्रों, दंडकारण्य का जो बेल्ट है जिसमें हम जाते हैं, और हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसके उन लोगों ने भोजन बनाए थे, उसमें बड़े बड़े पेड़ के नीचे उन्होंने गड्ढे खोदकर, गड्ढे में पॉलीथीन डालकर उन्होंने वहाँ पर दाल चावल सब्जी सब बना के रखा। मैं और जीजी हम उनका प्रेम देख करके गदगद हो गए। कोई बर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल उसमें वो बना के लाते और उसमें डालते जाते हैं, और ऐसे प्रेम से खिलाया उन्होंने जैसे भगवान राम और भगवान सीता को उन्होंने खिलाया था। ये जो कंदमूल फल खाई, ये जो है ये वास्तव में इनका प्रेम जो होता है उसी के माध्यम से इनका गुण जो है वो वर्णित हो सकता है। प्रेम बहुत है इनके मन में, बहुत निश्चल प्रेम, और मैं जितनी बार गया उतनी बार मैंने इनके निश्चल प्रेम को देखा है। तो ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं कई बार मैं गया, मैं उधर भी गया, बीजापुर गया, मैं उधर भी गया, आगे भी गया, ये जो ऊपर का बेल्ट है जहाँ एक झरना बहता है जो कि हमारे आगे इससे तुलना की जाती है इससे नियाग्रा फॉल्स है, चित्रकूट फॉल्स, मैं सब देख करके मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कितनी ब्यूटी है इस क्षेत्र में, कितना आनंद है। और अभी हमने कोंडा गांव को गोद लिया है सहित 7 गांवों को गोद लिया है, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से 7 ज़िलों को हम उसको पूरी तरह से बना रहे हैं। एक मन में संकल्प है, एक आदर्श संकुल बनेगा। तो मित्रों, मैं ये जो बता रहा हूँ कि इन लोगों को, और फिर इसके बाद इन यहाँ के आने वाली बच्चियाँ हैं, ये हमारे पास ऊपर रहती हैं, और इतना ज़्यादा प्रेम इनका, इतना ज़्यादा प्रेम, सब हमारे साथ रहती हैं, हमारे लिए भोजन बनाती हैं, दिन रात जागती हैं, और क्या कहा जाए मित्रों, मैं कैसे कहूँ उनकी सेवा कितनी ज़्यादा होती है। तो ये जो बहनें हैं जितनी भी, ये मेरी बेटियाँ हैं, मैं इनको जितनी सराहना करूँ, इनकी जितनी सराहना करूँ कम है। बहुत सारी यहाँ आ गई और अपने, उनकी हमने शादी कर दी तो अपने पति के साथ सुखी हैं, और किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं ये लोग मैं बता सकता हूँ आपको, ये बहुत ही विलक्षण वर्णन है। तो ये जो साधु लोग हैं, प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं, साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए, यही कह रहे हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं, श्री राम जी कृपा से हमने आप लोग दर्शन पाए हैं। अयोध्या कांड में जो वर्णित संत वसंत का स्वभाव, भरत जी के संत स्वभाव का सार संक्षेप है, इस प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताऊँगा। संत व्यक्तियों का गुण स्वभाव, पहला, संत व्यक्ति नीतिवान वैराग्यवान सरल स्वभाव के होते हैं, इनके हृदय में भक्ति का सहज वास होता है। दूसरा, संत व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं करते, किसी की बुराई नहीं चाहते और न ही किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, संत व्यक्ति दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हैं और ये दूसरों का सदैव सम्मान करते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। संत व्यक्ति सत्संग में परम रुचि रखते हैं, सत्संग इनकी सबसे प्रिय हॉबी है, सत्संग बस कैसे भी मिल जाए, और सदैव हितकारी वचन बोलते हैं। ये मान बड़ाई भय ईर्ष्या लोभ मोह काम क्रोध अहंकार से परे होते हैं। तो ये जो संत व्यक्तियों का गुण स्वभाव है ये है। असंत व्यक्तियों का गुण स्वभाव ये भी समझ लीजिए आप, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे।
असंत व्यक्ति अपने माता पिता और पुत्र को मारने में भी संकोच नहीं करते, ये गौशाला और ब्राह्मणों को नगर तक जलाने में नहीं हिचकते। एक गौशाला का मैंने इसलिए वर्णन किया कि गौशाला का नाश करके ये लोग वास्तव में अपनी संस्कृति को नष्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये स्वार्थवश स्त्री और बालक तक की हत्या कर देते हैं और मित्र व राजा को जहर देने में संकोच नहीं करते। असंत व्यक्ति मन कर्म वचन से पाप कर्मों में लगे रहते हैं। दुष्ट व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। ये लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते, दूसरों के पापों का बखान करते हैं। ये कपटी कुटिल कलह प्रिय कोधी स्वभाव के होते हैं। छठा है, ये लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले होते हैं। पराय धन और पराय स्त्री के ताक में रहते हैं। सातवां है, ऐसे लोगों का सत्संग में प्रेम नहीं होता, वो परमात्मा के मार्ग से विमुख होते हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, इन्हें हरि हरि का यश भी नहीं सुहाता। हरि और हर का यदि कीर्तन इनके सामने कर दो तो बुरा लगने लगेगा। ये वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं। दुष्ट लोग एक प्रकार से ठगी होते हैं, वेश बनाकर जगत को छलते हैं। दसवां है, दुष्ट लोग दूसरों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाले होते हैं। ग्यारहवां है, दुष्ट व्यक्ति चुगलखोर बिना ही कारण क्रोध करने वाले तथा माता पिता गुरु भाई एवं बंधुओं के साथ विरोध रखने वाले होते हैं। दुष्ट व्यक्ति सब प्रकार से, बारहवां है, सब प्रकार से दूसरों का अनिष्ट करते हैं, केवल अपने ही शरीर का पोषण करते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं। भरत जी का संत स्वभाव, भरत जी सब प्रकार से साधु स्वभाव के हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में इनका अथाह प्रेम है। भरत जी का प्रेम वैराग्य नियम व्रत और धर्म निष्कपट यानी सच्चा है, और ये बड़ों की आज्ञाकारी है, निश्चित रूप से बड़ों की आज्ञा मानते हैं पूरी तरह से। ये नीति परायण और उत्तम पुरुष हैं, ये केवल गुणों को ग्रहण करते हैं और गुणों को सहजता से त्याग देते हैं। भरत जी संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण करने वाले यानी धर्म के प्रतीक हैं। भरत के बारे में जगह जगह आता है, धर्म प्रधान जो ये विश्व है वो केवल भरत जी की वजह से है। भरत जी मोह ममता से परे हैं, अंतिम हैं। इनके शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है, यानी इसका वर्णन संभव नहीं है। आधुनिक भारत के संतों में यदि आप देखना चाहें राजपाट छोड़कर तपस्वी जीवन जीने का उदाहरण, तो इसमें एक भगवान बुद्ध हैं। कल हमने आपको भगवान महावीर के बारे में बताया था, आज उसी समय एक ही समय में जन्मे भगवान बुद्ध। उनके बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था, और उनकी माँ का नाम था महामाया, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। फिर उनका पालन पोषण महारानी माया की महामाया की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गया। उनके जीवन की कथा सुना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं उनके गुण पे आ जाऊँगा। लेकिन विवाह के उपरांत एक दिन जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वे अपने एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर वन की ओर चले गए। वे संसार को जरा मरण और सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य देव ज्ञान की खोज में रात्रि में ही राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। भगवान बुद्ध हैं तो कैसे बने? इन्होंने एक तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, इन्होंने उसको देखा जो ऐसा विकलांग अवस्था में चल रहा था, और तीसरा उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उन्होंने कहा तीनों चीज़ें क्या हैं? तो इनके जो वो था वाहन चलाने वाला, उसने समझाया है ये आपके भी जीवन में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इनको मुक्ति दिलाऊंगा। राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर गमन कर गए। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर साधना की, तत्पश्चात एक दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जिस घटना के कारण राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए वो कुछ इस प्रकार थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले शाक्य नरेशों की राजधानी
कपिल के राजमार्ग पर एक जराजीर्ण वृद्ध चला जा रहा था। आयु की अधिकता के कारण उसकी कमर झुकी हुई थी, बुढ़ापे ने उसके नेत्रों की ज्योति क्षीण कर दिया था, मुंह पोपला और पैरों को लड़खड़ा देने वाला बना दिया था। वह पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी का टुकड़ा मांग रहा था, पर कुछ शरारती लड़के उसे रोटी देने के बदले में ढेले और कंकड़ों से मार रहे थे। इतने में उनका राजकीय रथ उसी मार्ग पर चलते चलते अचानक रुक गया। उसमें बैठे राजकुमार सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है? उनका यह प्रश्न अचरज से भरा हुआ, क्योंकि इसके बिना उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं था। राजकुमार को अभी तक जानबूझकर राजमहलों के ऐसे वातावरण में रखा गया था कि उन्हें उनके पिता ये चाहते थे कि कभी दुख, रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु आदि चीज़ें न देखें, ये उसका कुछ पता न चले। उनके प्रश्न पूछने पर सारथी ने बताया, किसी समय यह व्यक्ति हट्टा कट्टा सुंदर पुरुष था, पर वृद्धावस्था के कारण उसकी दुर्दशा हो रही है। राजकुमार ने पुनः प्रश्न किया, क्या प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी दशा होगी? उनका यह संसार का नियम है, अनिवार्य नियम है। बहुत अधिक आयु हो जाने पर कोई भी इससे बच नहीं सकता। उत्तर मिलने पर इस जराग्रस्त वृद्ध को देखकर अकस्मात उनके हृदय में एक नवीन भाव का उदय हुआ। बिना किसी से कहे मानव जीवन की समस्या पर विचार करने लगे। अभी तक वे संसार में सब व्यक्तियों को अपनी तरह स्वस्थ मानते थे, सुखी, आमोद प्रमोद में मग्न, पर आज उनको एक कटु सत्य प्रतीत हुआ कि सभी सांसारिक सुख क्षण स्थायी, चिरस्थायी नहीं है, और यहाँ सुख की बजाय दुख का परिणाम अधिक है। इस घटना के पश्चात सिद्धार्थ गौतम का जीवन बदल गया। राजकुमार सिद्धार्थ का एक भाई था चचेरा देवदत्त। वह राजकुमार से बहुत द्वेष रखता था, बहुत जलता था, क्योंकि महल में सभी सिद्धार्थ की प्रशंसा करते थे। सिद्धार्थ की प्रतिभा, योग्यता, कार्यकुशलता बहुत गजब की थी। इतनी योग्यता चूँकि देवदत्त में नहीं थी, इसलिए भांति भांति से कुछ ऐसे कार्य करता था जिससे राजकुमार शारीरिक और मानसिक रूप से उनको चोट पहुँचे। सिद्धार्थ उनके हर कृत्य को मन से क्षमा कर देते थे और उसकी कभी शिकायत नहीं करते थे। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ जब भगवान बुद्ध बन गए, तब भी देवदत्त ने उन्हें प्रताड़ित पर परेशान करने में कोई अवसर नहीं छोड़ा और आजीवन उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। उनका जो देवदत्त जो नाम का जो भाई था, उसने आजीवन उनको तंग किया। कोई भी व्यक्ति समाज के गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध कार्य करता है, समाज को सही दिशा दिखाता है, सही राह दिखाता है, तो उसका विरोध करने के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं। गौतम बुद्ध आसवान राज्य के किसी नगर से गुजर रहे थे। वह स्थान के विरोधियों का गढ़ था। विरोधियों को बुद्ध के नगर में होने का पता चला तो उन्होंने चाल चली, एक कुलटा स्त्री के पेट में बहुत सा कपड़ा बांधकर समाज के सामने भेजा गया। वह स्त्री जहाँ बुद्ध थे वहाँ पहुँची, जोर जोर चिल्ला कर कहने लगी, देखो ये पाप इसी महात्मा का है, ढोंग रचाए घूमता है और अब मुझे स्वीकार भी नहीं करता। सभा में खलबली मच गई। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद बहुत चिंतित हो उठे, भगवान अब क्या होगा? भगवान बुद्ध बोले, तुम चिंता मत करो, कपट देर तक नहीं चलता, चिरस्थाई फलने फूलने की शक्ति केवल सत्य में है, सत्य सदा विजयी होता है। इस बीच उस स्त्री की करघनी खुल के खिसक गई, सारे कपड़े जमीन पर खिसक गए, उसकी पोल खुल गई और वे अपने कृत्य पर लज्जित हुई, लोग उसे मारने दौड़े। बुद्ध ने यह कहकर उसको सुरक्षित लौटा दिया, जिसकी आत्मा मर गई हो वह मरों से भी अधिक है, शारीरिक दंड देने से क्या लाभ। इस तरह नवरात्रि के इस चतुर्थ दिवस में हम लोगों ने अयोध्या कांड में भारत जी के संत स्वभाव चर्चा की। अब अगले दिन अरण्य कांड में वर्णित संत व संत के व्यक्ति के स्वभावों, उनके उदाहरणों पर चर्चा होगी। आज की बात यहीं समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।